सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे बात करने वाले हैं गॉल ब्लडर स्टोन के बारे में, यानी पित्ताशय की पथरी के बारे में। तो दोस्तों, जानेंगे पित्ताशय की पथरी का हम बिना सर्जरी के कैसे इलाज कर सकते हैं, इसके लिए हमें किन दवाओं का उपयोग करना है और साथ ही साथ किन परहेज को करना चाहिए ताकि आपको जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात मिल सके। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान है? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, जो भी मेरे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को टैप कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं इस तरह का कोई भी नया वीडियो अपलोड करती हूं। साथ ही साथ अगर आप फ्री कंसल्टेंसी यानी फ्री में अपने लिए कोई सलाह लेना चाह रहे हैं तो आप मेरे लाइव क्लिनिक को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं एवरीडे 7 PM पर लेकर आती हूं। अगर आप उस समय ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप पेड कंसल्टेंसी के लिए हमारे यहां ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या होता है गॉल स्टोन। गॉल स्टोन या पित्ताशय की पथरी, आजकल काफी सारे लोग इस समस्या से ग्रसित हैं और अचानक से इसका पता चलता है जब वो कोई USG करवाते हैं, कोई अदर फाइंडिंग्स कराते हैं, तब जाके इसका पता चलता है। क्योंकि जब ये छोटे होते हैं तो आपको इस तरह का एज सच कोई सिम्टम नहीं आता और जब तक पता चल जाता है तो बहुत बड़ा साइज हो चुका होता है कि मेडिसिन से इसका रिमूवल पॉसिबल नहीं हो पाता, आपको सर्जरी करानी पड़ती है। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम आए तो आप जल्द से जल्द डायग्नोसिस कराइए, जल्द से जल्द आप इसका पता लगाएं ताकि आपका इलाज स्टार्ट हो सके और सर्जरी से बचा जा सके। तो पहले तो जानते हैं हम कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है और किस लिए ये हो जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन हमारा जो लीवर है इसके नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर ये नामों से जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें से निकलता है बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट या कह सकते हैं आप बाइल जूस। ये जो बाइल जूस है ये मदद करता है फैट के डाइजेशन में, यानी कि वसा को पचाने में, फैटी थिंग्स को पचाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि इसके अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं वो फैट में मिलकर उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में हेल्पफुल रहते हैं। तो यदि हम बहुत ही ज़्यादा ऑयली फैटी चीज़ें कंज्यूम करते हैं और इसको पानी कम से कम पीते हैं या हम बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह या एकदम जो ठंडा पानी ले लेते हैं तो ये डिस्टर्ब करता है फैट के डाइजेशन को और प्रॉपर ये सिक्रीशन, ये जूस मिल नहीं पाता है और इसी वजह से ये जो कोलेस्ट्रॉल है फैट कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये जम जाता है, यही फिर धीरे धीरे जमते जमते आपके गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर में स्टोन या क्रिस्टल्स जो हैं जम जा रहे, इसे ही हम फिर पथरी बोलने लगते हैं। जब ये छोटे साइज के होते हैं तो इन्हें निकालना आसान होता है क्योंकि ये निकल सकते हैं घुल कर, इसलिए आपको जब भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो पानी ज़्यादा पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि इनका साइज बड़ा हो जाता है तो निकलना पॉसिबल नहीं होता है, देन फिर आपको सर्जरी करानी पड़ती है। कई कंडीशन में ये भी देखा गया कि काफ़ी बड़ा साइज हो जाने के बावजूद ये एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी पेशेंट को एज सच कोई भी कंप्लेन नहीं होती है। यदि कोई कंप्लेन नहीं है तो आपको सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि हम क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो सबसे पहला सिम्टम रहता है आपका पेट में भारीपन या आपको राइट साइड में दर्द रहना, यानी आपको पेट में लीवर की तरफ राइट साइड की तरफ हल्का हल्का दर्द होना, पेट का भारी रहना, खाना ठीक से ना पचना, ये सबसे मेन सिम्टम होते हैं। इसके साथ साथ नौजिया और वॉमिटिंग यानी जी मिचलाना और उल्टी होना साथ में देखा जाता है। इसके बाद ही हम जाते हैं पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कराने, देन पता चलता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है। ये गॉल ब्लैडर स्टोन छोटे साइज से यानी एक स्लज से स्टार्ट होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कंडीशन में आते हैं, आई मीन टू से जब स्लज बना होता है तो 100% आपका ये गॉल ब्लैडर स्लज रिमूव हो जाता है।
तो ये स्लज जो बन जाता है आपका, यानी गंदलापन जो कीचड़ जैसा बन गया, इसी से फिर ये धीरे धीरे क्रिस्टल जैसे स्टोन फॉर्म होते हैं। तो जब ये छोटे साइज के हैं तो निकलना बहुत ईजी होता है और आराम से आप मेडिसिन के थ्रू इनको निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप गॉलस्टोन से परेशान हैं और सर्जरी नहीं कराना चाह रहे हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इन मेडिसिन के प्रयोग से गॉलस्टोन रिमूवल हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। सबसे पहली मेडिसिन है आपकी चिलिडोनियम क्यू। चिलिडोनियम क्यू लीवर की किसी भी प्रॉब्लम के लिए बहुत इफेक्टिव हो, चाहे ये बिलियरी कोलिक हो, आपका फैटी लीवर का इशू हो या लीवर डिजीज हो किसी तरह की, तो आपको बहुत इफेक्टिव रहती है चिलिडोनियम क्यू। चिलिडोनियम क्यू का आपको प्रयोग करना होता है मदर टिंचर फॉर्म में प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी कार्डुअस। ये कार्डुअस आपके जो लीवर में कंजेशन हो रहा है और कभी कभी जॉन्डिस की कंडीशन में भी ऐसा होता है, कभी कभी आपको खाना ठीक से नहीं पचता, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में ऐसा हो जाता है, तो कार्डुअस भी बहुत अच्छा वर्क करेगी, आप कार्डुअस क्यू में लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी च्यूनेंथस क्यू। ये जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ आपको, कार्डुअस क्यू, च्यूनेंथस क्यू और चिलिडोनियम क्यू, इन तीनों मेडिसिन की आपको 10-10 बूंदे आधे कप पानी में मिलाकर दिन भर में 3 बार पीना है, तो इस तरह से इसको पीना है आपको। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी फैल्टोरी 30। फैल्टोरी जो है बहुत बढ़िया वर्क करती है आपके जो कोलेस्ट्रॉल के केसेस में, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको ये कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स ही हैं फैट की वजह से जमा हुए, तो आपको फैल्टोरी 30 लेना है। फैल्टोरी 30 आपको दिन भर में 3 बार 2-2 बूंदे डायरेक्टली टंग पे लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी कोलेस्ट्रिनम। कोलेस्ट्रिनम है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कोलेस्ट्रॉल रिमूवल में, तो कोलेस्ट्रिनम 3x में एक एक गोली या 2-2 गोली दिन भर में 3 बार आपको चूसनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी, अगर आपको इंडाइजेशन है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है और पेट में गैस की वजह से पेट फूल जा रहा है, दर्द कर रहा है, तो चाइना यहाँ पे बहुत बढ़िया वर्क करेगी। चाइना आपको लेना है 30 में, दिन भर में 3 बार आप लीजिए, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे या 6-6 गोली। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी कैल्केरिया कार्ब 1 mm। कैल्केरिया कार्ब बहुत बढ़िया मेडिसिन है आपका स्टोन फॉर्मेशन होने से रोकने के लिए, तो प्रिवेंट करती है स्टोन के फॉर्मेशन को, तो आपको कैल्केरिया कार्ब 1 mm सुबह सुबह लेना है, 2 बूंदे डायरेक्टली टंग पे या 6-6 गोलियां लीजिए, आपको इस तरह से हफ्ते में 1 बार इसको लेना होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी लाइकोपोडियम 200। अगर आपको पेट में बहुत भारीपन है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो लाइकोपोडियम 200 बहुत बढ़िया वर्क करेगी। लाइकोपोडियम 200 आप सुबह शाम ले सकते हैं, 2-2 बूंदे डायरेक्टली टंग पे लेनी है, 6-6 गोलियां आपको इसका सेवन करनी है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जिनका यूज करके आप गॉलस्टोन से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपको इसके साथ क्या परहेज करनी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैडम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। आपको एक तो सबसे ज्यादा परहेज करना फैटी चीजों का, यानी आपको फैट वाली चीजें, जिन भी चीजों में फैट होता है, वसा होती है, आपको उन चीजों को जब तक आपका स्टोन ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं प्रयोग करना है। ऐसी चीजें जो फैट को काटती हैं, जैसे कि सबसे अच्छा है पानी, जो फैट को काटती है ऐसी चीजें, पानी हो गया आपका, नींबू पानी हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ये सब आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है क्योंकि ये बहुत हेल्प करेंगे आपके स्टोन के रिमूवल में। तो ये आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपको फैट वाली चीजें नहीं लेनी है, फ्राइड फूड हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इन सबको आपको नहीं लेना है क्योंकि इनसे आपका स्टोन बनना और तेज होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डाइट का बहुत ध्यान रखने होता है कोई भी दवा आप लेते हैं तो, क्योंकि यदि आप प्रॉपरली डाइट मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका ये गॉल स्टोन रिमूव नहीं हो पाएगा। तो ये आपको जरूर से ध्यान रहना है कि एक्सरसाइज करना है, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेने हैं एंड अवॉइडेंस ऑफ द बहुत ज़्यादा आप जो भी फ्राइड फूड हैं, आपके प्रोसेस्ड फूड हैं, यानी जो बंद होके मिलते हैं डब्बे में रखे रहते हैं कई महीनों तक, ये आपको नहीं लेना, घर का बना ताज़ा भोजन ही लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गई जानकारी कि आपको गॉलब्लैडर स्टोन में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमने मेडिसिन बता ही दी है आपको, सिम्टम भी बता दिए हैं, अब हम बात
कर लेते हैं कि ये मेडिसिंस कहाँ मिलेंगी। मेडिसिंस आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे मिलती हैं या आप ऑनलाइन www.sreehomeocenter.com से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान परचेज करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिंस बुक कर सकते हैं। पर मंथ की मेडिसिंस आपको 1500 रुपीज़ में यानी 1500 रुपये में आती हैं। इसको आपको हमारी वेबसाइट www.sreehomeocenter.com से ऑर्डर करना होता है और आप वहाँ से जाके भी अपने लिए होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। तो फिलहाल मैं डॉक्टर सत्या अब लेना चाह रही हूँ आप लोगों से इजाजत। मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।